कल वजीरा साहब ने वडेरे की आम अल्फाज में जो मतलब है उर्दू जबान में वो आप तमाम दोस्तों को बयान कर दी, शायद नईम और रहमान साहब को नहीं पता था। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि नफ़रत की सियासत ने, तफरीक की सियासत ने इस शहर की खिदमत नहीं की। ये शहर हर कौम, हर जबान, हर रंग, हर नस्ल के शख्स को अपनाता है। ये सबका शहर है, इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और ये जो बार बार तफरीक की सियासत की गई है, तासुब की सियासत की गई है, मैं समझता हूँ कराची वालों ने इस तासुब की सियासत को, तफरीक की सियासत को रिजेक्ट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में, उनके नुमाइंदों की शक्ल में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी बिलावल साहब, सईद साहब, मैं हो गए, जितने भी हम लोग पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, हमारा एजेंडा क्या है कि अभी अगले कुछ दिनों में जो साइक्लोन का चैलेंज है उसको कैसे निमटना है, बारिशें आएंगी उसके चैलेंज को कैसे निमटना है, लोगों के मसाइल को कैसे हल करना है, कैसे रिलीफ प्रोवाइड करना है। हम ये तफरीक की सियासत नहीं करना चाहेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, आज से चंद माह पहले किसी दोस्त ने मुझे बताया कि आप एनईडी यूनिवर्सिटी जाइए और एनईडी यूनिवर्सिटी जाके कागजात निकलवाइए हाफिज नईम रहमान साहब के, कि हाफिज नईम रहमान साहब जो अपने आप को कहते हैं इंजीनियर, कहते हैं इंजीनियर हैं वो, आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग यहाँ के गैर मकामी हैं, ज़रा चेक कीजिए कि पैदाइश कराची शहर की है या नहीं उनकी। मैं तो कराची में पैदा हुआ हूँ, सलमान अब्दुल्ला मराद कराची में पैदा हुए हैं, सईद गनी साहब कराची में पैदा हुए हैं, उनकी पैदाइश है कराची की। लेकिन उस वक्त भी चूंकि हमारी सियासी आइडियोलॉजी इस बात की इजाज़त नहीं देती, इस इशू को मैंने नहीं उठाया। और मुझे कल जो उन्होंने शारिया कायदीन को ब्लॉक करके ये जो मकामी गैर मकामी तासुब की सियासत करने की कोशिश की ना, इसलिए मजबूरन मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, इस शहर में पला बढ़ा हूँ, इस शहर के स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है मैंने। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब का भी यही है, सईद गनी साहब का भी यही है। ये कौन होते हैं तासुब का कार्ड खेलने वाले? खुदारा लोगों को ना बांटें। पीपल्स पार्टी लोगों को इकट्ठा करना चाहती है, यकजा करना चाहती है, यक जुबान होके इंसानियत की खिदमत करना चाहती है। तो खुदारा ये तासुब की हम सब नफी करते हैं, हमारी सियासी जमात, सियासी आइडियोलॉजी इस बात की नफी करती है। और इंशाल्लाह अगले चार सालों में और उसके बाद मजीद चार सालों में और बहुत सारे और चार सालों में हम अपने किरदार से इन तमाम चीज़ों की नफी करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड जो शहर के अंदर खिदमत होगी, काम होगा, इन लोगों के सबके मुंह बंद हो जाएंगे।